एवरीवन, वेलकम टू अरूबा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको टीचिंग एग्जाम या फिर एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विसेज, कोई भी अपना जो एम है उसमें से एक तय करना रहेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे का काम करना रहेगा। जो भी पढ़ाई है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना रहेगा। आज के जो सेशन है उसमें हम ये समझने वाले हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लीड और एमपीटेट दोनों का फॉर्म फिल किया होगा, रीट का भी किया होगा और एमपीटेट का भी किया होगा। और जो 31 जनवरी को हमारा सीटेट का एग्जाम था, वो उसमें किसी भी कारणवश, चाहे एक मार्क से या फिर किसी भी कारणवश आप अगर उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पाए, तो अब आप लोग ये सोचोगे कि अब हमें सीटेट की भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता होगा, क्या हम रीट और एमपीटेट की जो प्रिपरेशन है उसके साथ हम सीटेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि भाई सीटेट जो है वो नोटिफिकेशन 100% निकालेगा। जैसे ही कंडीशन थोड़ी सी कंट्रोल होंगी, सीटेट का नोटिफिकेशन जरूर आएगा और एग्जाम आपको जल्दी से जल्दी, मतलब जब भी इस सब कंडीशन कंट्रोल होती है उसके बाद आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को श्योरली मिलेगा। तो क्या हम रीट और एमपीटेट के साथ साथ सीटेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो आज का सेशन इसी पर डिपेंडेंट रहेगा कि हम ये समझेंगे कि क्या ये दोनों एग्जाम इक्विवेलेंट है और इसके साथ हमें सीटेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ये समझने वाली बात है, ये आपके स्टेट लेवल के हैं और ये आपका सेंट्रल का है, ठीक। इससे आपको क्या है, यहाँ पर मेरिट बनेगी, इंटरव्यू नहीं होगा और इससे डायरेक्टली मेरिट बनती है और आपकी जॉब तय हो जाती है। सीटेट क्वालिफाइड होने पर कोई जॉब नहीं, डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी, इसके बाद आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम निकालती है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सीटेट पास करना कंपलसरी रहता है। यहां तक की बात क्लियर होगी? बहुत से लोगों को ये पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा एक मिनट में बेस क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या है। आपको जॉब दिलाएंगे, ये जो एग्जाम है ये जॉब नहीं दिलाएगा, ये आपको क्वालिफाइंग टेस्ट होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है और फिर आप केबीएस, एनबीएस, DSSSB जैसे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात ये है कि जो 31st को सीटेट हुआ था, तो अगर कोई उसमें रह गया है, चाहे एक नंबर से, दो नंबर से, किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या उसे ये तैयारी करनी चाहिए या फिर केवल इन्हीं पर फोकस करना चाहिए? तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए गाइस, क्या है कि सबसे पहले तो ये टीचिंग एग्जाम है, तो यहाँ पर बाल विकास से प्रश्न तो आने ही है, वेटेज थोड़ा बहुत अलग होगा, बाकी बाल विकास से तो प्रश्न आने ही है। जैसा कि मैंने कल बोला था कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आपका, वहां पर आपको CDP तो देखने को मिलती ही है। तो कॉमन चीजें देख लेते हैं हम, रीट, एमपीटेट और सीटेट। यहां पर हमको क्या मिल रहा है, एक तो CDP, तीनों में हमको कॉमन मिल गई। वैसे तो पांचों सब्जेक्ट कॉमन मिल जाएंगे, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। फिर लैंग्वेज वन, जैसे हमने यहां पे इंग्लिश ली, तो यहां पर ग्रामर पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है। मैं यहां लिख देती हूं, यहां पर आपसे ग्रामर पोर्शन भी पूछा जाता है, पैसेज भी पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा यहां पर अलग रहेगा। एमपीटेट में आपसे पैसेज पूछा जाता है और टीचिंग, जिसको हम पेडागॉजी बोलते हैं, सब्जेक्ट की पेडागॉजी पूछी जाती है, और सेम यहां पर सीटेट में पैसेज और प्लस सब्जेक्ट की पेडागॉजी। लैंग्वेज टू में हम हिंदी ले लेते हैं, तो हिंदी में यहां पर ग्रामर और टीचिंग तो आना ही है, ये जो 15 मार्क्स का है यहां पर, ये पेडागॉजी तो आना ही है, तो पेडागॉजी यहां पर कॉमन हो गई, सब्जेक्ट की, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रही हूं मैं। हिंदी में हम बात करते हैं, ग्रामर आएगी आपकी, उसके बाद यहां पर अगेन दो पैसेज आएंगे और यहां पर टीचिंग पेडागॉजी उसी सब्जेक्ट की, और यहां पर भी सेम वही रहेगा, ठीक है, यहां पर भी पेडागॉजी रहेगी। अब हम लेवल वन की बात कर लेते हैं। लेवल वन में यहां पर ईबीएस और मैथ्स, ईबीएस और मैथ्स और इनकी सब्जेक्ट पेडागॉजी, ठीक, सब्जेक्ट पेडागॉजी, फिर ईवीएस और मैथ्स यहां पर भी, और यहां पर सब्जेक्ट पेडागॉजी, यहां पर भी सब्जेक्ट पेडागॉजी, और ईवीएस और मैथ्स और सब्जेक्ट पेडागॉजी। थोड़ा सा समझना कहां पर डिफरेंस आ रहा है वो थोड़ा सा समझते चलते हैं। रीट और एमपीटेट में जो आपका बाल विकास है, जो आपका सीडीपी है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कंसेप्ट को लेकर प्लस फैक्चुअल चीजें, फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। कंसेप्ट्स वो होते हैं जहां पर, जैसे एक टीचर है, अगर उसके सामने एक शिक्षक है और उसके सामने जो जो देख नहीं पाते हैं बच्चे, या जिनका विजन में प्रॉब्लम है, तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। और फैक्चुअल वो होते हैं कि भाई जो साइको एनालिसिस थ्योरी है वो किसने दी, तो सिगमंड फ्रॉयड, इस तरीके से आपको डील करना आना चाहिए। और सीटेट में आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, मतलब एक मुश्किल से मुश्किल एक या दो, 30 में से दो क्वेश्चन भी अगर फैक्चुअल आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में। अब यहां पर आपको ये समझना है कि ये जो दो पैसेज आ रहे हैं,
यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल एक दो नंबर की ग्रामर को उसी पैसेज के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं, अदरवाइज वोकैब, आपके सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, इस तरीके से आपको थोड़ी सी उन पर कमांड करनी होगी। और अभी से अगर 5 वोकैब भी पर डे करते हो, और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आप वोकैब पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पर हम वोकैब भी स्टार्ट कर देंगे। मैंने कुछ 4-5 वीडियोस पहले डाली भी है, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो 5 वर्ड पर डे के हम यहाँ पर लर्न किया करेंगे, ठीक। यहाँ पर बात हो गई, तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर पैसेज है, मतलब वोकैब अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर भी पैसेज पूछा जाता है। उसके बाद ये सब्जेक्ट की पेडागॉजी तो सब में ही चलने वाली है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम है ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये समझ लो 60-70 से लेकर 90, मतलब 30 से लेकर 90 तक, ऐसा समझ लो मिनिमम 30 से लेकर 90 तक, मतलब इन तीनों एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, 30 से लेकर 90 तक आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जहां पर आपकी सब्जेक्ट की पैडागॉजी भी इंक्लूड हो जाती है और बाल विकास भी इंक्लूड हो जाता है। जितना अच्छा आपका सीडीपी पर पकड़ होगी, आप उतने ही अच्छे सब्जेक्ट की जो पैडागॉजी होगी उसको अच्छे से डील कर पाओगे। हिंदी में बात आती है तो यहाँ पर आपको ग्रामर थोड़ी पढ़नी है, थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी, बट हाँ फिर भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संधि, समास, इस तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। यहां पर एक आध दो नंबर का कोई पर्यायवाची पूछ ले, या जो पैसेज में दिया है उस तरीके से पूछ ले कि भाई इसका आप तत्सम का तद्भव रूप में चेंज कीजिए, या इसका विलोम शब्द क्या है, इस तरीके से पूछ लेगा। यहाँ पर भी पैसेज इसी तरीके का आता है। ईवीएस में आपको पता ही है, यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज अलग है, 20 और 10 मार्क्स भी हो सकता है, 22 और 8 मार्क्स भी हो सकता है, 15 तो मुश्किल है, क्योंकि 15 मार्क्स की यहाँ पर ईवीएस की पैडागॉजी एग्जैक्टली नहीं पूछी जाती। 20 और 10 हो सकता है, मतलब 20 का आपका ईवीएस का कंटेंट आ जाए, 10 नंबर की पैडागॉजी आ जाए, या फिर 22 का कंटेंट और 8 की पैडागॉजी आ जाए, इस तरीके से। और यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर 20 और 10 का तो ये चलता ही है, तो ईवीएस तीनों में कॉमन है। उसके बाद हम मैथ्स चलते हैं, मैथ्स भी कॉमन है, मैथ्स का लेवल थोड़ा सा ऐसा देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर राजस्थान की थोड़ी बुक्स को तवज्जो दे देंगे, यहाँ पर एमपी तो नहीं, हालांकि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो वो तीनों ही कवर हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो बात बाकी एक बार आप खुद से देख लो कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, इन तीनों का सिलेबस थोड़ा सा मैच कर लो। मुझे जहां तक लगता है कि आप रीट और एमपी टेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा सीटेट का भी माइंड में लेकर, एक क्या होता है सबसे बड़ी होती है मेंटेलिटी। हम जितनी स्ट्रांग रखेंगे कि हाँ हम भाई फिर कर रहे हैं, बस थोड़े से ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, मैंने जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो तो हम एक से ज्यादा फॉर्म फिल जब करते हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, बशर्त यह है कि जो उसका सिलेबस है वो कुछ मैच तो कर रहा हो। यहाँ पर आप खुद देखो सीडीपी मैच कर रहा है, बस यहाँ पर कंसेप्ट प्लस फैक्चुअल है और यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। सारे सब्जेक्ट्स में पैडागॉजी पूछी जाती है, यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट्स में पैडागॉजी पूछी जा रही है, यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट में पूछी जा रही है। जहां थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो वो ग्रामर में, केवल लैंग्वेज की ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आप समझ सकते हैं 10-20 नंबर का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो इंग्लिश यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक। फिर उसके बाद मैथ्स, तो मैथ्स आप एनसीईआरटी कर लो, या कोई भी जो एसएससी लेवल की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपका मैथ्स अच्छा है तो कर लो, अदरवाइज मैथ्स तो 6 से लेकर 8 तक कर लो, आई थिंक सफिशियंट रहेगा। मतलब टाइम मिले, आपको लगे कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकता हूँ, मुझे अच्छा टाइम मिल रहा है, मेरा मैथ्स पर अच्छा कमांड है, 9-10 की तरफ जाओ, अदरवाइज 6-8 तो बहुत सफिशियंट रहेगा। तो यहाँ पर इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि आप तैयारी कौन कौन से एग्जाम की साइमल्टेनियसली कर सकते हैं और कौन से एग्जाम की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हमें ऐसे नहीं भागना है कि बस हम तो दे ही रहे हैं, अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करके कोई सेंट्रल का एग्जाम नहीं देना है, आप ऐसा जरूरी नहीं कि सीटेट बिल्कुल लाइफ टाइम वैलिड हो गया तो हमें तो अभी ही देना है, या हमें तो सीटेट, अरे सीटेट क्या है, एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, वो आप कभी भी क्लियर कर लोगे अगर आप इन पर ज्यादा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट वाली, ये आपको जॉब दिलाएगी, रीट और एमपीटेट आपको जॉब दिलाएगी, ये केवल एक सर्टिफिकेट मात्र है जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स, जितने भी सेंट्रल के एग्जाम होते हैं वहां पर आपको बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उसमें अपीयर होने के लिए एलिजिबल कर देता है। तो च्वाइस आपकी रहेगी, आप करना चाहते हो तो इतनी सिमिलैरिटीज है, ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ 70-80% सिमिलैरिटीज है, करना चाहे तो एक माइंडसेट कर लीजिए कि हाँ ठीक है भाई ये भी कर सकते हैं, और जब आएगा इसका नोटिफिकेशन तो उसको भी फॉर्म फिल करके हम कर सकते हैं, अगर हम आप करना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं है कि ये भी और ये भी, भाई तीनों ही चीज करना, तीनों ही हाथ ना लगे, तो ऐसा प्लीज बिल्कुल मत करना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बार बार ये समझाया था, पहले एम डिसाइड कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको एक क्विक उसका रिवाइज करवा देती हूँ कि भाई जो प्रीवियस वीडियो है अगर नहीं देखी है तो देख लेना, चैनल पर अपलोडेड है। तो सबसे पहले क्या, एम डिसाइड हो जाए, अगर एम डिसाइड हो गया कि हमें करना क्या है, फिर उसके बाद हम उसका सिलेबस उठाकर देखेंगे कि हाँ ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं, फिर उसके बाद सोर्सेज देखो,
कि अब मेरे पास क्या सोर्सेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। क्या होता है जब हम ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये सब में हैबिट होती है, ऐसी बात नहीं कि केवल आप लोगों में ही है, ये हम सब में हैबिट होती है कि जब हम सोर्सेज सोचते हैं कि हाँ अब हमें ये तैयारी करनी है और हमें ये सोर्सेज पढ़ना है तो हम अनलिमिटेड सोर्सेज को रख लेते हैं। ये भी अच्छा है, ये बुक भी अच्छी है, ये चैनल अच्छा है, ये ऑनलाइन ये कोर्स अच्छा है, इसको परचेस कर लेते हैं। किसी ने फला चैनल बता दिया हमने वो पढ़ लिया, किसी ने कोई बुक बता दी हमने वो परचेस कर ली, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम है तो सबसे पहले ही टाइम का यूटिलाइज करो। अगर आप ऑनलाइन पूरा ऑनलाइन डिपेंडेंट रहना चाहते हो, वैसे मेरी सलाह तो ये रहेगी कि ऑनलाइन ऑफलाइन अगर कॉम्बो बनाकर चल सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज ऑनलाइन अगर आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि अभी हो सकता है बहुत से लोग अभी ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, उनके पास बुक्स ना होगी, बीएड फाइनल ईयर हो, डीएड फाइनल ईयर हो, बीटीसी वगैरह, तो इन सब के लिए ये मत सोचो कि अभी मेरे पास कुछ नहीं, ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है मटेरियल। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ना तो ऑनलाइन में भी आप चीजें लिमिटेड कर लो, सोर्सेज को लिमिटेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलिमिटेड में आप पढ़ नहीं पाओगे, पूरा माइंड सेट जो है पूरा बिगड़ जाएगा। तो एक वीक दो अपने आप को, ऑनलाइन जो भी कोर्सेज है उसको बिल्कुल चूज कर लो, तीन चार पहले पढ़कर देख लो कि हाँ मुझे ये चैनल ठीक लग रहा है, मुझे इंग्लिश के लिए ये पढ़ना है, मुझे हिंदी के लिए पढ़ना है, मैथ्स के लिए पढ़ना है, सीडीपी के लिए पढ़ना है, जो भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग उस चैनल को पहले अच्छे से देख परख लो कि अगर मैंने एक वीक चैनल को सेलेक्ट करने में, ऑनलाइन मटेरियल को सेलेक्ट करने में लगाया है तो कोई भी व्यक्ति आपसे क्यों ना कह दे कि नहीं ये तो इससे अच्छा देखो यहां मटेरियल है, आपको वहां डाइवर्ट नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डाइवर्ट होने से बचना है। तो सबसे पहले ऑनलाइन मटेरियल जो है उसको चूज करो कि हाँ मेरे लिए ये ठीक है, एक वीक दे दो, एक वीक बहुत होता है। जब आप रिसर्च करोगे उस चीज पर हाँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है तो आप अपना 100% दोगे। तो यहां पर आप उस चीज को बिल्कुल लिमिटेड कर लो, लिख लो कि हाँ भाई ये मुझे इससे यही पढ़ना है, अब मैं किसी और की तरफ जाऊंगा ही नहीं चाहे कोई कितना अच्छा सजेस्ट करे। उसके बाद अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है या जिनको ये लगता है कि मेरा हम लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ भाई नेट चलता है, इंटरनेट होता है तो हमारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सोशल मीडिया पर हमारा मन लग जाता है कि चलो यार देख लेते हैं एक बार भाई अगर मोबाइल लैपटॉप और इससे पढ़ते तो, और ऑफलाइन मोड में क्या रहता है उनको सामने बुक दिखती है तो उनको पढ़ना ही है। तो अगर कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है तो बुक्स यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स जो भी है उसको बिल्कुल सोच लो, पहले दो तीन बुक देख लो जो भी मैंने बुक्स की हर ऑलमोस्ट वीडियोस बनाई हुई है, एकलव्य वाली की भी बना दी, रीड की भी बना दी, एमपीटेट के लिए भी बना दी, तो अगर आप इनकी सीटेट के लिए भी बनाई है तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर अपलोडेड है देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो बुक्स आपने सोची है, अब कोई भी व्यक्ति आपसे आकर कहे कि ये बुक तो यार ये तो इससे नहीं आता इससे आता है, आप चेंज मत होना, क्योंकि आपने भी तो अपना एक वीक दिया है ना, आपने भी तो अपने माइंड का उस टाइम 100% यूज करा है इस चीज को जानने में कि आपके लिए कौन सा मटेरियल अच्छा है। तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति के एक वर्ड कहने पर आप अपना पूरा मटेरियल छोड़कर उस व्यक्ति की तरफ चले जाएंगे जिसने ये कह दिया कि नहीं यार ये तो किससे पढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये देख ये वाले ये जो ऑनलाइन सॉरी जो कोचिंग के नोट्स हैं या कुछ भी है या जो भी बुक है वो ज्यादा अच्छी। तो प्लीज डाइवर्ट मत होना, ये चीज बहुत बार बहुत से लोगों के साथ होती है, हम फ्रेंड्स के कहने में आ जाते हैं कि यार ये चलो ठीक है यार सही बात है, मेरा तो पिछली बार भी सीटेट नहीं हुआ था तो हो सकता है मैंने कुछ गलत मतलब कोई बुक ऐसी पढ़ ली हो जिससे मेरा, ये बुक से सिलेक्शन होना ना होना डिसाइड नहीं होता, आप किस चीज कितना अच्छा उसको दे रहे हैं, अपना पूरा 100% दे भी पा रहे हैं यानी आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही वो मैटर करती है। बुक में ऑलमोस्ट आपको मटेरियल सेम मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 70% तो आपको सेम मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम थी, आपको उसको सुधारना है। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करो, सोर्सेज जब लिमिटेड हो गए फिर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं फिर उनके टॉपिक देखो कि हाँ यहां पर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इस टॉपिक को स्ट्रांग करना है, काफी अच्छा टाइम है अभी 3 से 4 महीने तो कोई एग्जाम की नहीं लग रहा है कि अगस्त जुलाई अगस्त से पहले कोई भी एग्जाम कंडक्ट होगा, 3 से 4 महीने है, आप ये सब डिसाइड करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा सही डायरेक्शन दे सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा किसी भी एग्जाम की डेट पता चल जाएगी तो वहां पर आपको केवल रिवाइज करना रहेगा, जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर लगाया आपके टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि कहां पर आपकी कमी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद आप उस पर काम करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सिलेक्शन कोई बुक नहीं करवाती, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करवाती, कोई ऑनलाइन का कोर्स नहीं करवाता, सिलेक्शन करवाएंगे आप स्वयं खुद करवाएंगे आप अपना सिलेक्शन। शर्त यह है कि ये सब चीजें पता हो कि आपका एम क्या है, उसके बाद उस जो एग्जाम में आना है उसका सिलेबस क्या है,
सोर्सेज लिमिटेड करने हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स देखने हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। जरूरी नहीं कि हर टाइम हम अपनी वीकनेस देखें, भाई वीकनेस तो पता है ठीक है वो भी एक टाइम पर जरूरी है, पर हर टाइम हम अपनी वीकनेस ही देखते रहेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, वैसा नहीं होना है। स्ट्रेंथ भी देखो, वीकनेस भी देखो, बहुत ज्यादा हवा में भी मत उड़ो तो बिल्कुल नीचे भी मत आओ कि बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गए, दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलो। फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, आप खुद से नोट्स बनाओगे आपको खुद पता चलेगा, मैंने टेलीग्राम पर कुछ शेयर भी करें अपने हैंड रिटन नोट्स ईवीएस साइंस और कंप्यूटर के, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और रिवाइज करते रहो। तो आज का जो सेशन है वो यही था कि कैसे पढ़ा जाए, क्या हमें सीटेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या हम रीट और एमपीटेट के साथ भी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कुछ ऐसा ही लेकर आने वाली हूँ जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड रहेगा।